आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पे। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हम लोग अपने चेहरे का, अपने स्किन का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखते हैं, और अगर हमारी स्किन से रिलेटेड कोई भी इश्यू या कोई भी प्रॉब्लम हमें होती है तो हम उसको बहुत जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी यूज करते हैं, स्किन ट्रीटमेंट्स भी करवाते हैं और साथ में बहुत सारे DIYs भी यूज करते हैं। लेकिन ऐसे में सबसे ज्यादा हम लोग जिस चीज को नेग्लेक्ट करते हैं, जिस पार्ट को हम लोग सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं, वो होता है हमारे अंडर आर्म का एरिया और हमारे जेनिटल्स के आसपास का एरिया। और ऐसा देखा जाता है कि वहाँ का जो एरिया होता है वहाँ पे बहुत ज्यादा डेड स्किन जमा हो जाती है। उस एरिया का जो कलर है वो काफी डार्क हो जाता है, काला हो जाता है, और वहाँ से स्मेल और बदबू आने की परेशानी का भी हमें सामना करना पड़ता है। इसलिए गाइज आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी होममेड रेमेडीज जिनको यूज करके आप अपने अंडर आर्म्स के एरिया को और अपने जेनिटल के एरियाज को वाइटन कर सकते हैं और उसमें जो इन्फेक्शन की या बदबू की प्रॉब्लम है उससे भी छुटकारा पा सकते हैं। बहुत ही आसान रेमेडी है, आप बहुत ही आसानी से घर पे ही कर सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है, और इनका जो असर है वो आप पहले दिन से ही देख पाएंगे। बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रेमेडीज है और वीडियो आप लोगों के लिए काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है गाइज, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। वीडियो अच्छा लगेगा तो उसको लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है हमारे लिए। एंड गाइस अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आती रहती हूँ, और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दे ताकि मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। एंड गाइस अब आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि अंडर आर्म्स का एरिया और जेनिटल्स का जो एरिया होता है वो डार्क क्यों हो जाता है। तो इसका सबसे पहला रीजन तो ये होता है कि कई बार हम लोग हेयर रिमूवल क्रीम्स यूज करते हैं अपने प्यूबिक हेयर को और अपने अंडर आर्म्स के जो हेयर होते हैं उनको रिमूव करने के लिए, तो इससे हेयर तो रिमूव हो जाते हैं लेकिन इन हेयर रिमूवल क्रीम्स में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि आपके अंडर आर्म्स के एरिया को और आपके जेनिटल्स के एरिया को डार्कन कर देते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगी कि अंडर आर्म्स एरिया के हेयर रिमूवल के लिए आप लोग वैक्सिंग करवा सकते हैं, आप लोग शेविंग करवा सकते हैं, और कुछ ऐसी नेचुरल क्रीम्स आती हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं जो कि आपके अंडर आर्म्स के एरिया को डार्कन नहीं करती है। और जेनिटल्स के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट तो ये है कि आप उस एरिया के हेयर को ट्रिम करके रखें, लेकिन फिर भी अगर आपको हेयर रिमूवल करवाना ही है तो आप वैक्सिंग करवा सकते हैं या फिर आप रेजर भी कर सकते हैं। दूसरा सबसे मेन रीजन इन एरियाज के डार्कन होने का ये भी होता है कि कई बार हमें इन एरियाज में काफी ज्यादा स्वेटिंग होती है, और स्वेटिंग होने की वजह से हमारी बॉडी में से काफी ज्यादा यूरिक एसिड जो है वो इन एरियाज में निकलना शुरू हो जाता है, और जब ये यूरिक एसिड वहां पर जमा होना शुरू हो जाता है तो ये हमारे उन एरियाज की स्किन को डार्कन कर देता है। इसके अलावा आप कोई डिओड्रेंट यूज करते हैं, कोई परफ्यूम यूज करते हैं जो कि आपकी बॉडी को सूट नहीं कर रहा है, या फिर जेनिटल्स में आप लोग सोप यूज करते हैं तो भी आपका वो एरिया जो है वो डार्कन हो सकता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगी कि आप अपने जेनिटल्स को किसी माइल्ड लिक्विड से ही वॉश करें। अब चलते हैं अपने सबसे पहली वाली रेमेडी की तरफ, और ये जो रेमेडी है ये सिर्फ और सिर्फ अंडर आर्म्स के लिए है। इस रेमेडी को आप अपने जेनिटल एरिया पे यूज ना करें। इस रेमेडी के लिए सबसे पहले हमें चाहिए आधा नींबू, और इसमें से मैंने सारे बीज जो है वो निकाल लिए हैं, क्योंकि जब हम इसको अपने अंडर आर्म्स में अप्लाई करेंगे तो ऐसा ना हो कि आपको सीड्स की वजह से किसी भी तरह की परेशानी हो। नींबू में विटामिन सी होता है और इसमें स्किन ब्राइटनिंग और वाइटनिंग प्रॉपर्टीज भी होती है, और साथ में इसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज भी होती है। ये आपके डेड स्किन को रिमूव करता है, आपके अंडर आर्म्स की स्किन को डिटॉक्स करता है, उसमें स्वेटिंग की वजह से जो बदबू हो गई है, जो इन्फेक्शन हो गया है, ये उसको भी खत्म करता है, और इसका असर आप बहुत ही जल्दी देखेंगे। लेकिन इस रेमेडी में हम सिर्फ नींबू इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, बल्कि यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं एलोवेरा जेल भी। मैंने यहाँ पे पतंजलि का एलोवेरा जेल लिया है, आप किसी भी ब्रांड का एलोवेरा जेल ले सकते हैं और आप फ्रेश एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं। एलोवेरा जेल तो आप सब लोग जानते ही है, इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है, ये काम करता है हमारी स्किन को ब्राइटन करने में, ये हमारी डेड स्किन की लेयर को रिमूव करता है और डार्क स्पॉट्स को भी रिमूव करता है। इसके अलावा ये आपकी स्किन को काफी अच्छे से हाइड्रेट और मॉइस्चराइज भी करता है, और साथ में आपकी स्किन को नरिश भी करता है। इस रेमेडी के लिए सबसे पहले आप आधा नींबू ले लीजिए, और आपको इस तरीके से उसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल जो है वो डालना है। उसके बाद सबसे पहले आप अपने अंडर आर्म एरिया को किसी वेट टॉवल से वाइप कर लें, और उसके बाद आपको नींबू से इस एरिया की मसाज करनी है फॉर 2 to 3 मिनट। अच्छे से मसाज करने के बाद आप इस एरिया को ऐसे ही छोड़ दें, और अगर आप इस रेमेडी को रात के टाइम करते हैं तो इसका बहुत ही अच्छा असर आपको मिलता है।
अगली जो रेमेडी है इसे आप अपने अंडरआर्म्स में और अपने प्राइवेट पार्ट एरिया में यूज कर सकते हैं। ये भी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रेमेडी है। इसमें सबसे पहले आपको एक बोल में आधा चम्मच एलोवेरा जेल लेना है और उसमें आपको ऐड करना है थोड़ा सा टूथपेस्ट। आप किसी भी ब्रांड का टूथपेस्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपको इसमें ऐड करना है एक चम्मच बेसन, जो कि सबके घर में अवेलेबल होता है, और लास्ट में आपको इस रेमेडी में एक चम्मच सूजी को डालना है। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करके पेस्ट बना ले, और पेस्ट बनाने के लिए आप चाहे तो पानी या फिर कच्चे दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पेस्ट बनाने के बाद आपको इस पेस्ट को अप्लाई करना है अपने इफेक्टेड एरिया पे। मैं यहाँ पे एक ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ, आप डायरेक्ट अपनी फिंगर्स की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हैं। इस रेमेडी को आपको वीक में दो बार करना है। आप अपने एरिया को क्लीन करने के बाद इसमें इस पेस्ट को अप्लाई करें और 10 से 15 मिनट तक उसको ड्राई होने के लिए छोड़ दें। इस पेस्ट में हमने एलोवेरा जेल यूज किया है, जिसमें की एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि आपकी स्किन के सारे इन्फेक्शंस को खत्म करता है और आपकी बदबू की प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट करता है। इसके अलावा इसमें जो हमने बेसन यूज किया है उसमें स्किन वाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, और इसमें हमने जो सूजी यूज की है वो डार्क स्पॉट्स को और डार्क एरियाज को बहुत ही अच्छे से वाइटन करती है। एंड गाइस, सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो हमने यूज किया है वो है टूथपेस्ट, जिसमें कि सोडियम लॉरेट होता है और उसमें भी वाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ओवरऑल ये जो पेस्ट है ये आपकी स्किन को बहुत ही जल्दी और बहुत ही इफेक्टिवली वाइटन करता है। इसके बाद आप थोड़ा सा मॉइस्चराइजर या फिर एलोवेरा जेल अपने इफेक्टेड एरिया पे अप्लाई करें एंड आप देखेंगे कि ये जो रेमेडी है ये पहली बार में ही काफी असरदार साबित होगी। तो गाइस, अगर आप भी इस तरह की किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, आपके भी अंडरआर्म्स का जो कलर है वो बहुत ही ज्यादा डार्कन है और जिसकी वजह से आप स्लीवलेस नहीं पहन सकते हैं या फिर ऐसा कोई काम नहीं कर सकते हैं जिससे कि आपके जो अंडरआर्म एरिया है वो शो हो, तो आप इस रेमेडी को जरूर यूज करके देखना। देखो, यूज करने के बाद आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि ये रेमेडीज बहुत ही जल्दी असर करेंगी आपके अंडरआर्म्स के एरिया को वाइटन करने के लिए। और साथ में अगर आपके जेनिटल्स का एरिया भी डार्कन है तो भी आप इस रेमेडी को जरूर यूज करें। और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। आपका एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आती रहती हूँ। और अब आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो वहां पर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। गाइस, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड बी ब्यूटीफुली बेस्ट।